वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नोटेशन, टाइप्स ऑफ नोटेशन, न्यूमरेशन और टाइप्स ऑफ न्यूमरेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज नोटेशन? रिप्रेजेंटिंग अ नंबर इन फिगर्स और डिजिट्स इज कॉल्ड नोटेशन। किसी भी नंबर को अगर हम लोग डिजिट्स के ज़रिए या फिगर्स के ज़रिए या सिंबल्स के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं तो यही नोटेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, फोर्टी फोर, नाइन्टी एट। अब टाइप्स ऑफ नोटेशन, स्टैंडर्ड नोटेशन, एक्सपेंडेड नोटेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड नोटेशन 44 या 98 इस तरह से लिख सकते हैं, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। और इसी को अगर हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वही एक्सपेंडेड नोटेशन कहलाता है। जैसे 40+4 या 90+8, ये एक्सपेंडेड नोटेशन होगा। अब न्यूमरेशन, एक्सप्रेसिंग ए नंबर इन वर्ड्स इज कॉल्ड न्यूमरेशन। किसी भी नंबर को अगर हम शब्दों के ज़रिए लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, दिखाते हैं तो यही न्यूमरेशन कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये नंबर है 44, इसको हम लोग वर्ड में रिप्रेजेंट करेंगे, एफ ओ आर टी वाई 40, एफ ओ यू आर 44। इसी तरह एन आई एन ई टी वाई 90, ई आई जी एच टी 8, 98, यही न्यूमरेशन कहलाता है। टाइप्स ऑफ न्यूमरेशन, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन ज़्यादातर इंडिया में और इंडिया के पड़ोसी मुल्कों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन दुनिया के ज़्यादातर मुल्कों में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे।